हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल क्लास में। फ्रेंड्स, जैसा कि जानते हैं आप कि जिसने 2014 में फॉर्म भरा था इंटर स्तरीय कंबाइंड एग्जामिनेशन का, उसका दोस्तों फाइनली एडमिट कार्ड का जो लिंक है वो आ चुका है और डाउनलोड भी हो रहा है। मैंने कल वीडियो बनाया था जिसमें कि लिंक खुल नहीं रहा था, लेकिन फ्रेंड्स ये लिंक जो है दोस्तों खुलने लगा है। ये देखिए, मैंने यहाँ पर खोल कर रखा हुआ है, आप लोग भी ट्राई कीजिए, खुल जाएगा। थोड़ा टाइम लगता है, 2-3 मिनट, ये खुल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, कैसे लोड करना है, और उसके बाद लोड करने के बाद जो पीडीएफ आएगा उसका पासवर्ड क्या होता है, सब कुछ बताएंगे दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को जरूर दबाइए, दोस्तों को शेयर भी कीजिए, और आप हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आप जॉब्स की जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं दोस्तों, ये हमारा वेबसाइट है freejobdelhi.in, इस पर भी आप विजिट कर सकते हैं। इसका भी लिंक मेरे वीडियो के नीचे में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप यहाँ पर कोई भी झारखंड, बिहार या ऑल इंडिया जॉब का जानकारी पा सकते हैं। चलिए फ्रेंड, दिखाते हैं आपको। जब ये लिंक आप क्लिक कीजिएगा तो इस तरह का खुलेगा पेज, और यहाँ बता रहा है कि एडमिट कार्ड फर्स्ट इंटर लेवल कंबाइंड कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन 14 पीटी है। इसमें आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर वो डालना है, और जो डेट ऑफ बर्थ है वो डालना है। अगर आपको पता नहीं है रजिस्ट्रेशन नंबर, तो उसका दूसरा उपाय यह है कि आपको अपना नाम डालना है, फादर नाम डालना है, और जो डेट ऑफ बर्थ है वो डालना है आपको। और उसके बाद जब आपका डाउनलोड हो जाएगा लॉगिन करने के बाद, तो उसमें आपको मांगेगा पासवर्ड। तो ये दिखा रहा है, डाउनलोड फाइल को खोलने के लिए पासवर्ड के रूप में आपको अपनी जन्मतिथि डालना है, आपको जो फॉर्मेट है वो डेट डालना है, फिर मंथ डालना है, फिर ईयर डालना है। इस तरह से आप डालेंगे तो आपको जो पीडीएफ जो डाउनलोड हुआ वो खुल जाएगा, और आप अपना एडमिट कार्ड आसानी से देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा, आप आसानी से डाउनलोड कीजिए, और देखिए कि आप लोग का जो डेट दिया कब गया है, क्योंकि एग्जाम जो है 8, 9, 10 को है, और आप लोग का जो सेंटर कहाँ पड़ा है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी, क्योंकि सर्वर जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है और आसानी से खुल रहा है। आप लोग ट्राई कीजिए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को जरूर दबाइए, दोस्तों को शेयर कीजिए, और आप हमारे चैनल में नए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।